Good afternoon, students. How are you? I hope all of you are right. आप सभी ठीक हैं? घर में रहते हैं ना कि बाहर घूमते हैं? घर में रहिए और सेफ रहिए, है ना? अभी तक आप लोग का जो COVID-19 है वो अपने घर वापस नहीं गया है. ओके, सो चलिए हम लोग आज के वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था, जो बचे हुए रिएक्शन थे उसको ही स्टडी किया था ना. डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, इन रिएक्शंस को हमने स्टडी किया था. ओके, आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट जो रिएक्शन है आज का हमारा, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ओके, इसके लिए हमको क्या है, एक एक्टिविटीज करना है. और इस एक्टिविटीज के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी बुक का 38 नंबर का पेज जो है उसको ओपन करिए, और इसमें ही हमारा जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस दिया हुआ है. ओके, और एक्टिविटी 9. तो इस एक्टिविटीज के लिए हमको क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड चाहिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ हमको एक टेस्ट ट्यूब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनेथिलीन ड्रॉपर, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. ओके, अब इस एक्टिविटीज को हमको कैसे करना है, आइए देखते हैं. टेक अबाउट 20 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनेथिलीन इन इट. हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें 20 ड्रॉप्स क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे. ओके, एंड उसमें 2 and 1 ड्रॉप्स फिनेथिलीन सॉल्यूशन का ऐड करेंगे. व्हाट इज द कलर चेंजेस इन द सॉल्यूशन, इस कलर, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज और क्या, किस तरह का कलर चेंज होता है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे. बाय द चेंज इन द कलर यू कैन नो नाउ वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और एल्केलाइन. तो इस एक्टिविटीज के थ्रू जो सॉल्यूशन में कलर चेंजेस होते हैं उसके थ्रू हम जो यहाँ पर रिएक्शंस हो रहा है वह एसिडिक है या एल्केलाइन रिएक्शंस है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ इन दिस एल्केलाइन सॉल्यूशन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ अ ड्रॉपर. अब हम लोग एल्केलाइन सॉल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉपर के थ्रू क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ अ ड्रॉपर, और ड्रॉपर के थ्रू जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप, दैट मीन्स हम इकट्ठा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में फिल नहीं करेंगे, रुक रुक के ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके हमको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में फिल करना है या ऐड करना है. और इसके साथ साथ हमको क्या करना है, जो सॉल्यूशन है हमारा उसको हम शेकिंग करते जाएंगे, दैट मीन्स ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे. ओके, अ टाइम विल कम वेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन कम्प्लीटली वेनिस और फेडिस अवे. एक टाइम ऐसा आएगा या वन कंडीशन ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन का पिंक कलर जो है वो कम्प्लीटली पिंक कलर हमको दिखने लगेगा. ओके, सॉरी, मतलब एक वन टाइम एक ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन का पिंक कलर जो है वो वेनिस या फेडी हो जाएगा, दैट मीन्स पिंक कलर जो है वो खत्म हो जाएगा. नाउ डिप द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर 1 by 1 इन इट. इसके बाद हम लोग इसमें ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर क्या करेंगे, 1 by 1 करके डिप करेंगे. सच रिएक्शंस बिटवीन एंड एसिड एंड एल्किल प्रोड्यूसिंग और साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में एल्किल एंड एसिड आपस में रिएक्ट होकर, देखिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इसका एग्जाम्पल इस इक्वेशन के थ्रू जो है हम समझेंगे. यहाँ पर एक क्या है, एल्किल एंड एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर साल्ट एंड वाटर का क्या करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, और इस तरह से जो इस रिएक्शन के थ्रू एल्किल एल्केलाइन एंड एसिड
साल्ट एंड वाटर का प्रोड्यूस वाटर को प्रोड्यूस करते हैं उसको इस कॉल्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है दिस रिएक्शन इज टू बी डन वेरी केयरफुली एज आफ्टर द स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वेयर अ ड्रॉप ऑफ एसिड विल मेक इट सॉल्यूशन एसिडिक इस एक्टिविटीज को जो है हमको या इस रिएक्शन को वेरी ही केयरफुली करना है क्योंकि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन यदि हम वन ड्रॉप भी एसिड का जो है हम अपने सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो जो हमारा ये एक्टिविटीज है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा अनसक्सेसफुल हो जाएगा सक्सेस नहीं होगा ओके सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ठीक है तो एक्टिविटी नाइन में हमने क्या पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ओके इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझा एक बार अगेन मैं इसको रिवाइज कर दे रही हूँ ठीक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है इसमें एल्की एल्केलाइड एंड एसिड जो आपस में रिएक्ट होकर साल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं विच कॉल्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस इन एक्टिविटी सिक्स में बर्न द मैग्नीशियम वायर द मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज फॉर्म हमने एक्टिविटी सिक्स में देखा था कि मैग्नीशियम वायर को जब हमने बर्न किया था तो क्या हमको मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था वहां पर ओके दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन के साथ एनी कंपाउंड का कंबाइंड होना क्या कहलाता है कॉल्ड ऑक्सीडेशन इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं ओके तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है ऑक्सीजन के साथ किसी भी मेटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ किसी भी कंपाउंड का कंबाइंड क्या कहलाता है विच कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओके यहाँ पर देखो क्या है सल्फर एक मेटल है प्लस ऑक्सीजन के साथ एक कंबाइंड होता है क्या बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है ओके तो विच कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन Do you know that it is reaction of iron with oxygen which form the rust? आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ एनी कंपाउंड का रिएक्ट होना which called is rust है ना आप लोग जो देखा होगा अपने आसपास में कि कोई भी आयरन दैट मीन्स लोहे का जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यदि खुले में बरसात में छोड़ देते हैं और वो जब गीला हो जाता है पानी से गिर जाता है तो आकर समय उसमें क्या होता है जंग लग जाता है ओके जंग को क्या बोलते हैं रश बोलते हैं तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन होता है ओके तो जो आयरन होता है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के उसमें रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है ऑन द अदर हैंड रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रस्टिंग भी क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है व्हेन वी बर्न सल्फर वी गेट सल्फर ऑक्साइड हियर आल्सो इट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर यहाँ पर देखिए सल्फर और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और यह कौन सा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ओके अपोजिट टू दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड इन कॉल्ड रिडक्शन जस्ट इसके अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड दैट मीन्स किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिलीज होना विच कॉल्ड इज रिडक्शन रिएक्शन ओके मर्क्यूरी ऑक्साइड इज बर्न मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन
यहाँ पर देखो वाटर जो है, वाटर से किसका ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया ना लिखने में, मर्क्यूरी ऑक्साइड ओके यहाँ पर रिडक्शन गैसेस के थ्रू क्या हुआ है, मर्क्यूरी जो है वो अलग हो गया है और ऑक्सीजन जो है अलग हो गया है, ठीक है। When mercury oxide is burned, यहाँ पर मर्क्यूरी जो है क्या होता है, बर्न होता है, इसके कारण ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर बर्न मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन हमको मिलता है ऑब्टेन होकर। Here mercury oxide is reduced because oxygen has been removed from it. यहाँ पर क्या होता है, मर्क्यूरी इज रिड्यूस, मर्क्यूरी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ रिमूव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो अभी तक हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस, ओके। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस गोज ऑन सिमल्टेनियसली व्हेन वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड द अदर इज रिड्यूस्ड, सच रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस मीन्स ऐसा रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन जो हैं एक साथ होते हैं, वे जिसमें वन इस रिएक्टेंट में वन रिएक्टेंट जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और अदर जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है, सच रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन व्हाट इज redox reaction is when one reactant is oxidized and other is reduced, okay। और इस redox reaction को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 10, ओके। तो इसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट देना चाहिए होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड जो है और पीसेस ऑफ कोल, रेड लेड, स्पीड टैम एंड ब्लो पाइप, ओके। ये ब्लो पाइप क्या होता है, आप लोग खेलते हैं ना बच्चे लोग, जो कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं तो जो एक पतली सी पाइप होती है जिसको एक लिक्विड होता है शैम्पू का और उसमें आप लोग डिप करके और फूंकते हैं तो बबल्स निकलते हैं बहुत सारे, है ना, उसी टाइप का जो पाइप होता है उसको ही ब्लो पाइप कहा जाता है, ठीक। तो एक्टिविटी नंबर 10 हमको करना है, इसके रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या चाहिए और इस पीसेस ऑफ कोल, रेड लेड, स्प्लिट टैम एंड ब्लो पाइप, ओके। टेक अ पीस ऑफ कोल मैक अ स्मॉल होल इन इट, हम एक क्या करते हैं कोल का पीस लेते हैं और उसमें एक छोटा सा होल करते हैं, पुट सम रेड लेड इन दिस होल, इसमें सम रेड लेड क्या करते हैं पुट करते हैं होल में, विथ अ ब्लो पाइप, किसके साथ, किसके थ्रू या किसके हेल्प से, ब्लो पाइप के हेल्प से हम लोग उसमें रेड लेड को क्या करते हैं पुट करते हैं, डायरेक्ट द फ्लेम ऑफ द लैंप टुवर्ड्स द रेड लेड, और इसको हम लोग डायरेक्ट जो स्पीड लैंप का फ्लेम होता है उसके पास लेकर जाते हैं, लैंप लैंप के पास, यू विल बी सी दैट द कलर चेंजेस फ्रॉम टू येलो, यू विल सी दैट द कलर चेंजेस, इसका जो है हम क्या देखते हैं कलर चेंज होगा, रेड से क्या रहता है येलो हो जाता है, कंटिन्यू ग्लोइंग अंटिल यू गेट अ ग्रे कलर्ड लिक्विड, इस ये जो प्रोसेस है हमारा इसको हम लोग कंटिन्यू ग्लोइंग करते रहते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो ग्रे कलर का लिक्विड हमको अचीव होता है, इट विल सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, दिस इज लेड,
और इसके इस रिएक्शंस के थ्रू हमको क्या मिलता है, सॉलिड रेड लेड जो हमको अचीव हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो रिएक्शन रिएक्शंस है उसको हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। लेड ऑक्साइड PbTO4 प्लस कार्बन या कोल 3Pb2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है, लेड ऑक्साइड कार्बन लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन वाज लॉस्ट फ्रॉम लीड लेड लेड ऑक्साइड सो वी कैन से इट वाज प्रोड्यूस एंड कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन सो पार्शियल पार्ट ऑफ थ्री डाई। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन वाज लॉस्ट फ्रॉम लेड ऑक्साइड। लॉस्ट ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड से और किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, कार्बन के साथ कंबाइंड हो जाता है। ये ऑक्सीजन जो है किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, और यहाँ पर टू जो एक्टिविटीज है एक साथ चल रहा है ना, फर्स्ट तो कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस्ट हो जा रहा है। ओके, रिलीज हो जा रहा है। एंड सेकेंड जो हो रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइंड हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, और सो वी कैन से इट वाज रिड्यूस्ड एंड कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन सो कार्बन वाज ऑक्सीडाइज। तो इस तरह क्या हुआ, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया है ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया विद ऑक्सीजन। दिस इज अ रिडक्स रिएक्शन। इस प्रकार इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, व्हिच कॉल्ड इज रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आल्सो टेक पार्ट इन सम केमिकल रिएक्शन मिल्क चेंजिंग टू कर्ड बट लाइक फर्मेंटेशन ऑफ बेटर ऑफ सोडा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सम केमिकल रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क चेंजिंग टू कर्ड, मिल्क का दही बनना चेंज होकर। नेक्स्ट फॉर्मेंटेशन ऑफ बेटर फॉर सोडा, डिसिंग ऑफ फूड, इंटरनल एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन इन मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इंटरनल एक्टिविटीज में क्या है, डाइजेशन इन मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म और एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये सभी क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है ना। केमिकल रिएक्शन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मेनी केमिकल रिएक्शन आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन आवर बॉडी एंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। केमिकल रिएक्शंस क्या है, हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेनी केमिकल रिएक्शन आर कंटिन्यूसली गोइंग, कुछ केमिकल रिएक्शन जो है, सॉरी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडीज में कंटिन्यू जो है होते रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में इन आवर बॉडी एंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, हमारे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म और अदर प्लांट्स में जो है केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू होते रहते हैं। इन फैक्ट्रीज आल्सो इट इज बाई केमिकल रिएक्शन दैट मेनी नेसेसरी थिंग आर मैन्युफैक्चर्ड एज मेडिसिन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, पॉलिश, सॉप, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। एंड फैक्ट्रीज में भी केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू कुछ थिंग्स जो होते हैं उनका प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन जो हमारे लाइफ के लिए डेली लाइफ के यूज में जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, पॉलिश, सॉप, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, रेडी किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है फोर्थ चैप्टर क्या हुआ, क्लोज हुआ।
ठीक है इस और आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी कुछ आप लोग को मैसेज जो है मिल जाएगा, नेक्स्ट टेस्ट जो है आप लोगों का होने वाला है, सो रेडी आप लोग रहिएगा। ओके, जिस तरह से पहले एग्जाम हुआ था उसी तरह का फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, सो आप लोग प्रिपेयर रहिए। ओके, थैंक यू।